भाई मेरे साथ फिर प्रॉब्लम हो गया यार, बारिश ना हो यार उसके बाद तो फिर फुल्ली मजे मजे। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पेजू बॉय एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये देखो भाई हमारे गांव का रोड का हाल देख रहे हो आप, क्योंकि यार आज नाइट में जम के बारिश हुई है और कल शाम में भी बहुत बारिश हुई थी। तो ये देखो रोड में पानी वगैरह लग गया। बाकी आज का वेदर चेक करो, वेदर काफ़ी मस्त है। तो ओहो बकरी भाई, बकरी खुद जाएगा मेरे को भी लेके जाएगा। तो देखो रोड पे कुछ ऐसा अभी पानी लगा हुआ है, तो चलो मैं डायरेक्ट हाईवे पे मिलता हूँ आपसे, ठीक है। सो गाइस आज है मेरा लास्ट एग्ज़ाम और मैं फिर से चल लिया हूँ महिला कॉलेज के लिए। और देखो हल्की हल्की बूंदी बारिश स्टार्ट हो गया है। आज जा रहा हूँ मैं नाजिम का बाइक दे, क्योंकि यार आपको पता होगा मेरा छोटा सा टायर अगर है और उसमें से जो है कीचड़ बहुत ज़्यादा उछालती है मेरी बाइक, इसीलिए मैं अपना बाइक लेके नहीं जा रहा हूँ। बारिश ना हो यार उसके बाद तो फिर फुल्ली मजे मजे। ओ भाई डिसबैलेंस हो गया था अभी, देखे आप भाई मेरा हार्ट अटैक से आ गया था भाई, मेरे को कितना खतरनाक डिसबैलेंस हुआ था भाई। ओ माय गॉड यार अब मेरे को अच्छे से चलना पड़ेगा। मेरे को संकेत मिल गया है कि तुम अच्छे से चलो, ठीक है। तो यार मैं आराम से ही चलूँगा, अब तो मेरे को डर सा लग गया है भाई। मैं कैसे कैसे एक हाथ से हैंडल कंट्रोल कर लिया, नहीं तो यार मेरा तो आज हल लग जाता भाई। अभी तक मेरा दिल धड़क रहा है भाई। भाई हवा बहुत तेज चल रही है, पता है मेरे को एक साइड फेंक रहा है। देखो मेरा गोप्रो तो अलग ही हिल रहा है भाई, ऐसा लग रहा है कि गोप्रो मेरा छूट के ना गिर जाए। आज का मौसम कितना सुहाना है, आज का मौसम दिलो बाग बाग है। कल जो है 3-4 बजे समथिंग, हाँ 3 बजे के बाद ही बारिश स्टार्ट हुई। मतलब पहले तो भाई 1-2 मिनट आंधी आया, मतलब बहुत ज़बरदस्त वाला आंधी आया था। उसके बाद फिर आंधी के साथ साथ बारिश भी लेके आया। उसके बाद भाई जो ठंडा हुआ है ना कल से, मैं तो बता नहीं सकता आपको। तो गाइस जैसे आपको पता ही होगा मैं पूर्णिया मोड़ आ गया हूँ पेट्रोल पंप, तो चलो यहाँ पे फटाफट से पेट्रोल डालते हैं और हम निकल जाएंगे डायरेक्ट फिर कॉलेज के लिए। ये देखो भाई कौन सा पानी फेंक रहा है यार, भाई मेरे साथ फिर प्रॉब्लम हो गया यार। तो मैं साइड में रुक गया हूँ, देखो गोप्रो का व्यू चेक करो आप भाई, कहाँ जा रहा है मेरा गोप्रो। मेरा जो है माउंट छूट के गिर रहा है, ठीक है। और यहाँ पूर्णिया मोड़ में एक दुकान से मैं फेविक्विक लिया हूँ, क्योंकि यार मेरा माउंट छूट के गिर रहा है तो फेविक्विक ज़रूरी है। तो ये देखो ये फेविक्विक लिया हूँ मैं। अब गोप्रो का भी एंगल देख सकते हो, पूरा बस टैंक दिखा रहा है, आगे का कुछ व्यू आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो चलो फेविक्विक लगाते हैं माउंट में, फिर हम निकल जाएंगे यहाँ से। आई होप अभी आपको व्यू अच्छा आ रहा होगा। मेरा गोप्रो यार अचानक से भाई नीचे हो गया पूरा, और मैं सोच रहा हूँ भाई क्या हो गया इसको यार। मेरे को लगा उसका जो माउंट्स वगैरह है वो लूज हो गया होगा, बट नहीं यार मेरा माउंट छूट के गिर रहा था भाई। मौसम पूरा ठंडा हो रखा है और ऊपर से इतनी हवाएं चल रही है भाई, क्या ही मज़ा आ रहा है ना। जब मेरा हैंडल जो है डिसबैलेंस हुआ था भाई, उस टाइम मैं था डंगरा ब्रिज में, और डंगरा ब्रिज में कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ है। मतलब एक बाइक पे 3 बच्चे जा रहे थे, ठीक है, और वो डंगरा में एक सलून है, तो वो लोग सलून आ रहे थे चरिया से। तो बाइक चलाने वाले को कुछ नहीं हुआ था, बाकी जो सबसे पीछे बैठा हुआ था ना भाई, वो गिरने के बाद डायरेक्ट स्पॉट डेड हो गया, और इन लोगों को भी चोट वोट आई थी। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ और यार आज मेरे साथ होने वाला था। थैंक गॉड अल्लाह ने मेरे को बचा लिया। भोजपुरी सॉन्ग्स मैं सुनता तो नहीं हूँ, बट भोजपुरी में रील वगैरह डालता हूँ ना, तो कुछ कुछ वाइब्स आ गई मेरे अंदर भोजपुरी वाला। तो ये देखो सुरजापुर मार्केट, और यहाँ का ये कचरा भाई कब कब सही होगा ये चीज़। ये कचरा मेरे को सबसे ज़्यादा ख़राब लगता है भाई, इतना गंदा वाला कचरा करके रखता है लोग ना, मैं क्या ही बोलूँ आपको। सो नाउ वी आर इन कानकी, एंड कानकी में देखो क्या ही हलचल मची हुई है। सब सब्जी लेने के लिए इधर उधर देखो, यहाँ पे गाड़ी में पूरा भर के लेके जा रहा है आलू प्याज वगैरह। ओके डाडा
जगह जगह पे ये गाड़ियां लगी हुई है। ओवर खावर में ये बाइक कुछ ज़्यादा ही उछाल दी है मेरे को। अपनी शॉटगन तो भाई यूँ चली जाती हूँ उछलते कूदते हुए। अब मैं अपनी शॉटगन की तारीफ़ कर रहा हूँ और इसकी बुराई अगर नाजी में ब्लॉग देखेगा ना यार कन्फर्म मेरे को गाली देगा। कैसे भी करके हम कॉलेज पहुँच जाए, उसके बाद भाई तुम्हें जितना बरसना है बरस जाना, मेरे को कॉलेज पहुँच जाने तो एक बार ही। ओ भाई या तो पहले चल लो या फिर रुक जाओ, मतलब क्या बीच रोड में आके खड़ा हो रहा है भाई। यार मैं ना आज भगाने के मूड में हूँ नहीं, लेकिन फिर भी अभी भगा रहा हूँ। 120 के अभी भगाने के मूड में आज मैं हूँ नहीं भाई, मैं तो बस नॉर्मल आराम आराम से चल रहा हूँ, मेरे को ऐसे ही मज़ा आ रहा है भाई। या तो चल लो या फिर रुक जाओ, लेकिन बीच में ना रहो। हाँ बढ़िया है, हॉर्न बहुत तगड़ा है। हो चलो भाई तुम निकल लो, बाकी किसी को निकलने नहीं दूंगा मैं। यहाँ का यार पता नहीं क्यों यहाँ का ये वाला व्यू मेरे को बहुत तगड़ा लगता है। देखो भाई आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको कैसा लग रहा है यहाँ का व्यू, बाकी मेरे को बहुत तगड़ा लगता है भाई। और यार रेलवे गेट बंद है क्या? अरे यार आज गलत सीन हो गया। एक दो मिनट वेट कर लेंगे, अब एक दो मिनट टाइम लगे तब ना भाई, मेरे कितना टाइम लगेगा क्या पता। तो चलो डायरेक्ट वहीं पे चलते हैं, डायरेक्ट उस वाले गेट में चलते हैं जो डायरेक्ट मेरे कॉलेज वाला रोड पे जाती है, ठीक है। ओ हो क्या लाउड कर रही है विदाउट एग्जॉस्ट भाई, स्टॉक एग्जॉस्ट है बट लाउड बहुत तगड़ा है इसका। अपनी एमटी की भी है, अपने शॉटगन को कहाँ छोड़ रहे हो भाई। ये देखो कॉलेज वाला गेट तो आ ही गया मैं। ट्रेन कब आएगी यार? भाई ट्रेन जाने के बाद की भगदौड़ देखो आप, हर जगह का यही कहानी है। अब देखो सब छूटेगा, मधुमक्खी के तरह छूटेगा सब। अब भाई भाई ये मेरी बाइक कहाँ जा रही है ये चेक करो भाई। ट्रैफिक देखो भाई, भाई यहाँ पे कितना लंबा वाला लाइन लगा था चेक कर रहे हो। इस कॉलेज का भाई आज मेरा लास्ट डे है। इसका बाइक तो शायद वहाँ पे लग जाएगा यार, अपनी शॉटगन लग जाती है तो इसका बाइक तो लगेगा ही भाई, कंफर्म है। चलो क्रॉस करके घुसाएंगे, बाकी टाइम है अभी भी 10 मिनट, क्रॉस करके घुसाते हैं भाई। यहाँ पे देखो यहाँ पे लग जाती है। चलो क्रॉसिंग पे तो नहीं लगा, बाकी चलो बाइक लगाते हैं यहाँ पे और हेलमेट जो है फिर उसी भैया के पास रखेंगे दुकान में। तो चलो हेलमेट वगैरह हम बैग वगैरह रख देते हैं दुकान में, फिर हम अंदर आ जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। वो दुकान में मैं हेलमेट बैग्स वगैरह रख दूंगा।